अब ये क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन पहले हमने किया हुआ है, कोई नई बात नहीं है। वही सर्कस का टेंट है, सिलेंड्रिकल है, हाइट दी हुई है, सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल कोनिकल पार्ट है। इफ टोटल हाइट ऑफ द टेंट इज 13 मीटर एंड द डायमीटर ऑफ द बेस इज 24 मीटर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टेंट। अभी तक तो एक्सपीरियंसड हो जैस्मिन जी, नींद तो नहीं आ रही। तो ये टेंट है मैडम, ये जो टेंट है ये हमारा वो खिलजी वाला टेंट है, आज का मॉडर्न डिकैथलन वाला टेंट नहीं है। मेरी बात नहीं समझ आई? डिकैथलन में अगर आपने टेंट देखा हो तो उसके नीचे बेस होता है, शायद उसमें कन्फ्यूजन आपको आ जाती है। बट ये वो खिलजी के टाइम के जो टेंट है जिसमें कैनवास यूज़ होता है, मिलिट्री टैंक्स, आर्मी टैंक्स, वैसा पुराने वाला टैंक है। तो ये सारे जो टेंट हैं, जसमीन जी आपने एक दिन पहले भी क्वेश्चन पूछा था, इसमें ये मान के चला जाता है कि यहाँ पर नीचे कुछ नहीं है, नथिंग। ज़्यादा क्लियर है ना? तो सर्कस टैंक है टू अ हाइट 8 मीटर। अब सिलेंड्रिकल जो हाइट है वो तो चलती है 8 मीटर तक, तो आपको ये बोल रहा है कि ये जो है ये 8 मीटर है, उसके बाद टोटल हाइट जो है वो 13 मीटर है। कहने का मतलब ये जो 5 मीटर है ये यहाँ ऊपर होगा, सही समझ में आया? एंड द डायमीटर ऑफ द बेस इज 24 मीटर। डायमीटर आपको दिया हुआ है तो रेडियस जो होगा वो 12 मीटर होगा। दोस्तों समझ नहीं आया? विनी जी समझ नहीं आया? अच्छा, सर्कस टैंक है सर सिलेंड्रिकल टू अ हाइट ऑफ 8 मीटर। 8 मीटर तक तो सिलेंड्रिकल है, मतलब यहाँ तक ये जो 8 मीटर है ये वाली जो हाइट है यहाँ तक तो सिलेंड्रिकल है। इफ टोटल सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल पार्ट, इसके ऊपर एक कोनिकल पार्ट लगता है। जसमीन जी नींद आ रही है, खड़े हो जाइए, 4 बजे फर्स्ट क्लास नींद आती है, खाना खा के बैठे हो आप, बढ़िया। और मौसम भी एकदम मतलब गर्मी वाला है, 5 मिनट खड़े हो जाना जब भी नींद आएगी। हाइट 8 मीटर सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल पार्ट, इसके ऊपर एक कोनिकल पार्ट है। इफ टोटल हाइट ऑफ द टेंट इज 13 मीटर, टोटल हाइट बेटा आपको बता रहे हैं, तो इसलिए 8 मीटर के ऊपर 5 मीटर अपने आप लेना पड़ेगा आपको जी। तो 8 प्लस 5 13 एंड डायमीटर ऑफ द बेस इज 24 मीटर, तो यहाँ पर ये 12 मीटर बन जाएगा। ये आपको ही लेना पड़ेगा, आपको बताया नहीं जाएगा। इसका एक भाई है, वो भी अभी देख लीजिए, इसके बाद वही डिस्कस करने वाले हैं। बट इसका एक भाई आता है मार्केट में, वो भी मैं आपको अभी उससे मिलवा देता हूँ। इसका जो भाई है वो ये है, आपको देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7, वुडन टॉय इज मेड अप ऑफ। इसमें अगर आप देखोगे सिलेंडर का डायमीटर और कोन का डायमीटर अलग है। ये इसका भाई है, ये इसका बड़ा भाई है। इसके बाद यही क्वेश्चन करने वाला है भाई, यहां तक शांति है? तो कैलकुलेट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टेंट। फिर वही बार बार बात, खिलजी का टैंक है, नीचे बेस नहीं है, छोड़ दो उसको। तो ये 12 मीटर है, ये आपको यहां पर दिख रहा है जी, ये 12 मीटर है। यहां पर ये 12 मीटर है, ये 5 मीटर है। काफी पाइथागोरस अगर आपने की हो तो ये 144 और 25, ये 13 मीटर होगा अगर आपने काफ़ी पाइथागोरस के सम्स किए हैं, नहीं तो आप निकाल लेना। आई एम सॉरी जी, ट्रिपलेट है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। की होगी तो पता होगा, नहीं की होगी तो जान थोड़ी दे दोगे। कर लो 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर का अंडर रूट निकाल लो, 144 आएगा, उसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो वो 12 आ जाएगा। यहाँ तक शांति? 13 आ जाएगा, 144 प्लस 25, यहाँ तक शांति? ओके। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टेंट निकालना है, तो ये पाई आर एल हो गया, ये वाला जो है ये पाई आर एल हो गया, पाई आर एल हो गया। ये जो है ये कितना हो गया, 2 पाई आर एच। दोस्तों शांति? तो पाई आर कॉमन ले लो, पाई आर कॉमन ले लो और क्या कर लो, L+2H। दोस्तों शांति? पाई की वैल्यू 22/7 डाल लो, आर आपको 12 दिया हुआ है, आर आपको 12 दिया हुआ है। ट्वाइस ऑफ हाइट, किसकी हाइट, सिलेंडर की हाइट, मतलब 16, 16 प्लस 13 29। नहीं समझ आया? डेसिमल्स में आंसर आने वाला है, नहीं समझ गया? समझ आ गया? तो यहाँ तक ये जो कैलकुलेशन है वो तो आपने बहुत बार की हुई है। उसके बाद 10% की वेस्टेज है, ये भी हम पहले क्वेश्चंस में कर चुके हैं। मैं पहले सिर्फ यहाँ तक आपको एक छोटा सा सीन दिखा दूँ इसका। ये देखिए, ये जो मैं आपको बता रहा था डेसिमल में आपका आंसर आने वाला है, तो ये कर्व्ड सरफेस एरिया सर ने निकाल दिया, कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल दिया, उसके बाद CSA निकाल दिया, उसके बाद ऐड करके पाई की वैल्यू डाल के ये देखिए, ये डेसिमल में जो आंसर दिख रहा है 1093.71 सेंटीमीटर स्क्वायर। भाई ने सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा है, ये इसका मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर हिलता रहता है। और तेरे नंबर जा रहे हैं ओ जिबांग, तो तू शान से सेंटीमीटर लिख रहा है।
नंबर जा रहे हैं भाई यहाँ पर, यहाँ देख शांति। अब 50 बार बात हो चुकी है, 51st टाइम फिर से देख लीजिए। अगर 20% की वेस्टेज है, अगर 20% की वेस्टेज है, फिर से वही कंसेप्ट बार बार कर रहा हूँ, सिर्फ रिवाइज कर रहा हूँ, कोई नई चीज़ आपको इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा, वेस्टेज के पहले भी सम कर चुका हूँ। क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए, आप जो कैनवस क्लॉथ लेने वाले हैं वो इतना लेने वाले हैं, उसमें ये जो है इसको लिख लीजिए ए, ये वो ए है जो आप मार्केट से बाय करेंगे। शांति, ये कपड़ा प्रॉब्लम है ना आप लोगों को, आप रेडीमेड शर्ट्स लेते हो, शायद डैड को याद होगा एक टाइम पे आप शर्ट का कपड़ा लेते थे, या अभी भी आप गांव खेड़े में जाओगे तो अभी भी शहरों वाला थोड़ा अमेजोन का स्टाइल अलग है, बट अभी भी आप बी सिटीज सी सिटीज में जाओगे तो कपड़ा ही लिया जाता है, लेडीज़ और सूट्स के लिए वही लेती हैं, तो कपड़ा लिया जाता है, वो 2 मीटर आपको मिलेगा, थान खोलेगा और वो 2 मीटर का कपड़ा निकालेगा। तो ये वो ए है जो आप शॉप से लोगे, ये ए मीटर सॉरी ए मीटर स्क्वायर जो क्लॉथ होगा इसको लेके आप टेलर के पास जाओगे और उसको बोलोगे यार मेरा टेंट बना दे, जब वो टेंट बनाएगा तो उसमें से इसका जो 1/5 है, 1/5 ऑफ ए, ये जो है ये वेस्ट होने वाला है। और आपको जो कपड़ा चाहिए, बार बार बोलता जा रहा हूँ जस्मीन जी, नींद के मस्त झोंके आ रहे हैं, 1093.7 मीटर स्क्वायर, ये वाला जो एरिया है ये वो वाला एरिया है जो आपने अभी कैलकुलेट किया है। दोस्तों नहीं समझ में आया, विनीत जी नहीं समझ में आ रहा बिल्कुल, जस्मीन जी समझ नहीं आ रहा, ये वो 1093.7 मीटर स्क्वायर है जो आपने कैलकुलेट किया है। मार्केट में 120/100 या 80/100 करके भी वो करते हैं, मुझे समझ नहीं आता, आपको समझ आ जाएगा तो अच्छी बात है, शायद वो गाइड्स में और टीचर ऐसे ही समझाते हैं 120/100 करके, मुझे नहीं समझ आता, मैं आपको वो बता रहा हूँ जो कि ईजी है और जो आपको जल्दी समझ आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसको रीड कैसे करना है, रीड कैसे करना है, रीड ऐसे करना है कि मैंने एक कपड़ा बाय करना है, उसमें से 1/5 ऑफ ए तो मेरा वेस्ट हो जाएगा, प्लस वो जो मैंने शेड किया था साइड में वो ये है 1093.71 मीटर स्क्वायर। अभय जी क्लियर है? अब फिर से मेरी आपसे ये एडवाइस है, ये 5 का यहाँ पर एलसीएम मत लीजिए क्योंकि आपकी कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी, चुपचाप ये जो 1/5 ए है इसको ये साइड पे ले जाओ, तो ये क्या बन जाएगा 4/5 ए। विनीत जी कोई डाउट? ये सॉल्व करना बहुत आसान है, इंटू 5 कर लीजिए, डिवाइड बाई 4 कर लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। मैं 1/5 ले रहा हूँ, मैं बार बार 1/5 कर रहा हूँ जबकि ये 10% है, आई एम सॉरी, ये 10% है तो 1/5 नहीं होगा, 1/10 होगा। विनीत समझ आ गया? 1/10 होगा और ये 9/10 होगा। भाभी आपको समझ आ गया ना कहाँ थोड़ी सी गलती हुई? ये 9/10 होगा, तो इंटू 10 करोगे, यहाँ पर इंटू 10 कर देना, डिवाइड बाय 9 कर देना। दोस्तों क्लियर है? मैं आपको हर स्टेप पे बताता रहूँगा कैलकुलेशंस कैसे कॉम्प्लिकेट होनी शुरू हो जाती हैं। जैसे भाई ने अभी तो ठीक है, उसका आराम से गाड़ी निकल गई क्योंकि एलसीएम में 10 था, उसने अलग तरह सम किया, ये तो 10 था, बट अगर ये 1/5 होता तो ये मुसीबत बन जाती। नहीं समझ में आ रही मेरी बात? तो इसलिए बेटर ये होता है, इसको सॉल्व करने का बेटर ये तरीका है, ये ए बाई 10 को यहाँ लेके जाओ, तो पता क्या इक्वेशन बनेगी, 1093.71 = 9/10 है। क्यों ईजी कह रहा हूँ, बार बार समझिए, ये 1093.7 / 9 मीटर स्क्वायर, इसको सॉल्व करना आसान है। आप पूरे का एलसीएम उस साइड ले रहे हो, मुश्किल है। जितनी ज्यादा कैलकुलेशन आप करोगे मेंसुरेशन में, मान के चलिए उतनी ज्यादा उतनी ज्यादा गलती होने की प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ती जा रही है। इसलिए मैं बच्चों को बार बार एडवाइस करता हूँ, बेटा लास्ट में जाके कैलकुलेट करना, उससे पहले मत करना, क्योंकि अगर आपने एक ही सम में 4 कैलकुलेशन की है, देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि आप कहीं ना कहीं 6 या 7 या 8 की गलती कर रहे हैं। भैया जी डाउट? तो ये इजी वाला भाई है, ये इसका जो बड़ा भाई है ये थोड़ा सा टेढ़ा, इसको भी समझते हैं, अच्छा क्वेश्चन है।